हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सबके हित में, अरे देश के हित में, अरे मेरे हित में, अरे तेरे हित में, अरे सबके हित में। मेरे मुस्लिम भाई तुम ना घबराओ, मेरे मुस्लिम भाई तुम ना घबराओ, जरा होश में आओ, भ्रम में मत आओ। यह देश तुम्हारा, यह देश तुम्हारा, यह देश तुम्हारा। सबके ऑर्डर से, बाघा ऑर्डर से, भारत माता की, भारत माता की, इंडिया सपोर्ट, भारत माता की। हमने मांगा, तुरंत बोलना तभी आनंद आ गया। हमने मांगा, अरे तुमने मांगा, सिखों ने मांगा, अरे जैन ने मांगा, बौद्ध ने मांगा, ईसाई ने मांगा, हिंदू ने मांगा। हमारे बीच में युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री भाई जवाहरलाल जी अपने साथियों के साथ पधारे, उनका अभिनंदन व स्वागत। हमारे चमन सक्सेना जी पाठक हमारे बीच में पधारे, उनका अभिनंदन व स्वागत। कौशच श्यामलम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी मातृवंतों की यही है चेतना, वंदे मातरम का जो गायक नहीं। गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। भारत माता की। अब मैं कुछ नारे आपसे लगाऊंगा, आपको बाघा बॉर्डर से, बाघा बॉर्डर से, सबके ऑर्डर से, बाघा बॉर्डर से, सबके ऑर्डर से, अब लागू होकर वो लोगों को ऊर्जा में कर दिया। सभी लोगों से निवेदन है, सुधीर कुमार जी, रेशमा कश्यप जी, रामदेव शर्मा जी, वीर बहादुर जी, सूरजपाल शर्मा जी, रामवीर कश्यप, संजू कटिया जी, चंद्रपाल राठौर जी, उपाध्यक्ष महानगर, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, निशान राष्ट्र सेवका समिति की तरफ से बहन नीतू गोस्वामी जी समेत सभी बहनों का स्वागत। डॉक्टर अरुणेश अग्रवाल जी, डॉक्टर के एन शर्मा जी, कुमार सुभाष पटेल जी। हमारे बीच में अमित ग्यार जी पार्षद, अमित भाई, अमित ग्यार जी भाई, सभी कार्यकर्ताओं का स्थान ग्रहण कराए भाई, चारू चौधरी जी, नितेश गुप्ता जी, हमारे बीच में महानगर के उपाध्यक्ष भाई छोटे लाल जी अपने समाज के साथ मंच पर पधारे। अध्यक्षगण, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जी, प्रदेश कार्य समिति लोग उससे परिचित हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है ये आप हम सब सभी जानते हैं। क्या कारण है कि जो छह के लोग वहां आजादी के समय 23% थे, 7% रह गई और अब और भी कम होती जा रही है। अब कंबोडिया का राजा सूर्यदेव बर्मन था और दुनिया में 1978 में ईरान भारत से अलग कर दिया गया, 1761 में अफगानिस्तान भी इसका बनिया रहेगा। मेरा तो मानना है कि चीन की तरह हमारे देश उस धर्म में कमीशन लेकर जिस प्रकार से यह धर्म परिवर्तन कर रहा है, बात तो में चिंता की बात है। अरबों जेएनयू के बारे में पढ़ रहे हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए एक उदाहरण देते हुए अपनी वाणी का आराम देना चाहूंगा। 1955 में एक बार गुजरे बनारस के अंदर, तो आप
से पहला है लेकिन काय जोरदार है।